हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पालक दाल तड़का, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को स्पेशल पालक दाल की रेसिपी। ये देखिए दोस्तों, हमने आधा केजी पालक लिए हैं। 250 ग्राम चना दाल को हमने 2 घंटे पानी में भिंगो लिए हैं। अब इसका मसाला देखेंगे। मसाला में हमने तड़का में लिए हैं 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, 2 प्याज कटा हुआ, 2 टमाटर, थोड़ी सी अदरक कुटी हुई, थोड़ी सी लहसुन, 2 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। पालक को हम डंठल हटाकर उसे धो के काट लिए हैं बारीक। दूसरी तरफ हम गैस पे रखे हैं कुकर। कुकर मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 3 चम्मच। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हमने जो तड़का लिए थे वो तड़का। तड़का अच्छी तरह से चटक गया है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। ये देखिए दोस्तों, प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये दाल तड़का पालक वाली बहुत ही अलग होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सभी को 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें कटी हुई टमाटर। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इसे हटा दीजिए। ये देखिए, हम नमक डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर डाले हैं धनिया, हल्दी, बाकी के जो भी हमने मसाला लिए थे सारे मसाले को डाल देंगे, गरम मसाला को छोड़ के। सारे मसाले के डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला देंगे। ये देखिए, मसाला मिल गया है पहले का प्याज वाले मसाले में। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी पानी, 5 से 6 चम्मच, और इसे अच्छी तरह मसाला में मिला देंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट खत्म हुआ। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मसाला अब ऐसा है 2 मिनट के बाद। हम इसे चला दिए हैं। अब इसे हम फिर से ढकेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है, अब मसाला ऐसा है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई पालक। ये देखिए, पालक देने के बाद इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। पालक मेरा अच्छे से पक रहा है। अब इसमें डालेंगे चना दाल। अब इसे 2 मिनट तक चलाएंगे, जिससे पालक मसाला और चना दाल मिल जाए।
अब इसमें डालेंगे पानी, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है दाल को। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला देंगे। फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसे फिर से मिला देंगे जिससे गरम मसाला दाल पालक में अच्छे से मिल जाए। इसमें कम से कम 6 सीटी आने तक सीटी लगा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा दाल अच्छे से सीटी लगने के बाद ठंडा हो गया। आप लोग देखिए कैसे लग रहा है हमारा पालक दाल फ्राई। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाइए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।